थेपले लेके आना गरम वाले, बोला। चलो आ जाओ चाय पीते, चाय पे चर्चा। बहुत ही ठंडा, मतलब सनलाइट निकल गया है। देखो आप बाहर टी ब्रेक चल रहा है, दूसरा मैं चाय पी रहा हूँ, चाय बहुत अच्छा है। और ये जगह है ना बहुत ही सही है, मतलब अगर बॉयज़ आ रहे हैं ना तो उनके लिए बहुत ही सही जगह है। पहले हम लोगों का टेंट में रुकने का प्लान था, लेकिन वेदर देख के ना हम लोगों ने बोला था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि रात को है ना इतना ठंड लगता है ना, इतना ठंड लगता है, तो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए फिर हम लोगों ने ये रूम ले लिया। ये जो जगह है ना उसका नाम है जंगल, ये देखो जंगल माउंट आबू है, ठीक है। और ये ना थोड़े सा जो माउंट आबू का टोल है, आगे टोल होता है माउंट आबू का 50 रुपये 100 रुपये, ये उससे पहले ही आ जाता है ये। दूसरी बात ये कि रूम का है ना हम लोगों को पड़ा 1200 रुपीज़, 5 लोग अंदर ही सेट हो गए थे, और उन्होंने सब कुछ मतलब एक्स्ट्रा दिया था, कोई भी मतलब नो एक्स्ट्रा चार्ज ये सब था। और उसके पीछे है ये देखो इतना ब्यूटीफुल जगह है, मतलब ये जंगल जैसा एरिया है, वहाँ पे लोग वहाँ पे खेती करते हैं। तो हमारा प्लान ये है कि संदीप संतोष है ना, उनको नहाना बाकी है, वो लोग जैसे ही नहाना मतलब रेडी हो जाएंगे नहा धो के, उसके बाद हम लोग पीछे यहाँ पे अंदर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज माउंट आबू तो मैं बहुत बार आया हुआ हूँ, और काफ़ी सारे लोगों को ये सब मतलब आप माउंट आबू डालोगे तो दिख जाएगा, तो ये सब तो है। नखिलेक वखिलेक तो हम जो जा ही रहे, आज पूरा दिन वही घूमना फिरना है, गुरु शिखर नखिलेक ये सब मार्केट पॉइंट ये सब करेंगे कवर। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसी जगह पे है ना थोड़ा सा कोई जाता नहीं है, तो हम लोग वो अंदर जाएंगे और देखते कि क्या है अंदर, और आपको भी दिखाते हैं। चाय अच्छी है, सुबह का नाश्ता भी अच्छा था। और ठंडी कैसी थी यहाँ पे? ठंडी तो टू गुड, बट ये ठंडी है, चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ठंडा नहीं है, एकदम गर्म है। एक बार आने के बाद है ना मतलब आपको लगता नहीं है, मैं टी शर्ट में घूम रहा था, ये लोग जैकेट में घूम रहे थे, तो एक बार हाँ अभी बाकी है लोगों ना आना बाकी, देखो ना चालू हो गए। तो आप बोल रहे हो यहाँ से लेके चढ़ोगे ऊपर तक जाना है? पूरा ऊपर तक जाओगे, छोटी हाँ ओके, उसके बाद फिर मैं पीछे जाऊँगा। तो दोनों मिला के एक घंटा हो जाएगा ना, एक घंटे में कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर अंदर भी जाना है इसलिए। ये बहुत अच्छा है, और यहाँ पे कुआं भी है आपको देखने लायक, वो कुआं है। अच्छा वो वाला, अच्छा जो जो बावड़ी बोलते ना, हाँ वो कुआं पानी वगैरह सब, हाँ। तो वो यहाँ से मैं चल के जाऊँगा कि ऐसे 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 करके उधर, हाँ ठीक है, उधर से फिर थोड़ा अंदर अंदर थोड़ा वॉक करके फिर इधर से चढ़ के ऐसे ऊपर जा सकते हैं क्या? हाँ बस वैसे ही करते हैं बस। और ये दोनों पीछे वाले ना हमारे दोस्त ना बहुत लेजी है, उनको टाइम की कुछ पड़ी नहीं है, हम दोनों आगे निकल गए। गाइस क्या है ना कि अगर ऐसी जगह पर निकलो ना तो थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए, और हर एक चीज़ में थोड़ी जल्दी हो तो बेटर है। yes. ये तो क्या होता है कि आधे सीन ऐसे ही निकल जाएंगे हमारे। अरे आधा दिन देखो अभी देखो जैसे 11 तो बज गए, ठीक है अभी 11 बजेंगे यहाँ अंदर जाएंगे तो फिर टाइम नहीं रहेगा ना, तो फिर काफ़ी चीज़ें ना स्किप हो जाएगी कि हाँ चलो यार छोड़ दो अभी ये हो गया। और आपको पता नहीं है इधर इतनी अच्छी अच्छी जगह है जो हमने आज तक नहीं देखी है। करेक्ट, तो इस बार है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम तो शायद हाँ। हमें पुकार रहे हैं, आराम से ले जाओ। तो हम लोगों ने अभी ट्रैक शुरू किया है, तो प्लान वहाँ जाने का बाद में करते हैं। स्काई कितना अच्छा लग रहा है यार, यार ये चीज़ें मत करो, यहाँ पे गलत है, ये बिल्कुल भी मत करो, इतना अच्छा नेचर है ना उसको बिगाड़ो मत। बाय द वे यहाँ पे भालू भी मिल सकते हैं, भालू है एनीवे। ये देखो बहुत गलत है भाई, आओ
खाओ पियो मौज करो जलसा करो, लेकिन ये जो चीज़ है डस्टबिन में फेंक दिया करो, नेचर को गंदा मत करो। तो गाइज मैं आगे ऊपर थोड़ा सा आ गया हूँ, वो लोग वहाँ पे अभी भी फोटो सेशन करा रहे हैं। तो इस बार है ना मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ नई एक दो चीज़ भी दिखा दूँ ना तो भी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मार्केट गुरु शिखर नकीले की ये सब तो है ही है, वो तो मैं दिखाऊँगा। थक गया मैं अभी, ये जगह है कुछ है नहीं बस ट्रैक है, बट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो व्यू अच्छा मिलेगा। और ये हमारा दोस्त है, ये हमें आगे गाइड लेके चलेगा। क्या नाम है भाई तेरा, नाम तो बोल। ये लोग है ना कैमरे के सामने शर्मा थे बहुत। सुरेश ऑसम ऑसम बहुत बढ़िया है गाइस। ये जगह पर हम पहली बार आ रहे हैं, माउंट आबू तो बहुत बार आ चुके लेकिन आज आप लोग कुछ नई जगह देखोगे। बस ऐसे थोड़ी देर बैठते यार। वो जो जगह है वहाँ पे हमारा होटल है और हम ऐसे 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 करके इधर से होके ऊपर आए। वीडियो चल रही है, ये देखो माउंटेन। यहाँ पे है टोर्च पे ना एक टेंपल है जहाँ पे हल्का सा मुझे फ्लैग उसका दिख रहा है, मैं आपको पता नहीं दिखा पाऊँगा कि नहीं दिखे, नहीं ध्यान से देखोगे ना तो एक हल्का सा फ्लैग दिखेगा। देखो कोटा स्टोन पूरा वाइट पत्थर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना, ये यहाँ से ऐसे ओरिजिनल कट होता है और फिर यहाँ से बन के आता है पहाड़ों में। ये तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये है पार्किंग और ये रहा। तो फाइनली गुरु शिखर पहुंच गए हम लोग, ये पार्किंग है, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिख रही है, संदीप ने अभी उस तरफ गाड़ी पार्क कर दी ऊपर और यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। तो ये पूरा व्यू है और ठंड है ना अच्छा खासा लग रहा है, मतलब मैंने जो जैकेट नहीं पहना है बड़ी इतना अच्छा लग रहा है। और दत्तात्रेय मंदिर फोटोग्राफी नॉट अलाउड, अगर मुझे किसी ने टोक दिया तो मैं नहीं करूँगा। तो फाइनली गुरु शिखर पहुंच गए, आबू का सबसे टॉप व्यू है। और पिछले साल जब आए थे एक्चुअली यही जगह पे बैठे थे, आज भी यही बैठे हैं। यहाँ पे पब्लिक है ज़्यादा, लोग क्या करें। माउंट आबू में अगर गुरु शिखर एक बार आप आ गए हो ना तो स्किप कर लो, दूसरी बार आने की ज़रूरत नहीं है, उतना कुछ है नहीं, एक बार देख लिया बहुत है, बार बार आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखो ये चांगला कलर है ना, स्विफ्ट है, ये कलर मस्त लग रहा है, वो मिनी कूपर जेवी गाड़ी लागे छे। ये पकिया
ड्राइवर और कंडक्टर की सीट पे सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने 500 रुपीज़ चार्ज, तो वो और मास्क कंपलसरी लगा के रखना है, अदरवाइज पुलिस पकड़ लेगा। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं गौमुख। ये है ना, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है पर जंगल एरिया में है ये। तो अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, तो यहाँ पे एक और दो गाड़ी और है। बहुत ही पीसफुल जगह ये। मैं तो बहुत पहले से, मतलब आज से 15 या 20 साल आप पकड़ लो, उससे 15 या 20 साल पहले भी जब मैं आया था तो हम लोगों ने ये स्पॉट देखा हुआ था, लेकिन ये जो चार मेरे साथ आए हैं ना, उन लोगों ने एक ने भी नहीं देखा ये कि ये क्या जगह है। तो उनके लिए स्पेशली लेके आया, और मे बी आप अगर देख रहे हो तो आपके लिए भी ये नई जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है, इसीलिए बहुत ही अच्छी जगह है, प्रॉपर जंगल एरिया में ये। तो यहाँ से स्टेयरकेस शुरू हो गया है, आराम से उतर के जाना है, कोई टेंशन नहीं है। आगे हम दीदी यार ऊंचक वहाँ मटे कौन खास है ऊंचक से कौन ऊंच किसने सजेस्ट करूंगा कि एक बार गौमुख आना ही चाहिए अगर नहीं आए हो तो। बहुत ही प्यारी जगह है, जो जिसको ट्रैकिंग और थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा शांति पसंद है ना, उसको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये जगह बहुत ही पीसफुल है। क्या शेप है यार ये स्टोन, देखो पूरा एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है। और उसका टेक्सचर है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना, कैसे हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक एक तो रीज़न हो सकता है कि पानी, और कोई रीज़न नहीं हो सकता ये। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएगा, बट ये काफ़ी सालों से यही है। तो ये पहुंच गए फाइनली हम लोग गौमुख तीर्थ पे। यहाँ पे है ना, गौमुख के मुंह से ना पानी निकलता है, और वो पहाड़ों से ना काफ़ी सालों से ही निकल रहा है पानी। देखो ये रहा, ये देखो क्या सही है ना, पूरा नहीं, वो काफ़ी सालों से ना ये सब क्या क्या टेक्सचर है उनका, मतलब पानी से ना डैमेज भी हो चुका है थोड़ा बहुत। ये अंदर मंदिर है सरस्वती माँ, अच्छा बना दिया अभी। तो यहाँ पे ना सालों से, मतलब मैं आज से 15-20 साल पहले भी आया था, ऐसे ही पानी निकल रहा है गौमुख माता के मुँह से, और अभी भी मतलब ये चलता रहेगा। आश्रम है लेकिन हमारे पास टाइम की दिक्कत है, इसलिए हमने थोड़ा आश्रम हम नहीं जा रहे, भी हम लोग मार्केट में भी नहीं गए हैं, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ घूमना फिरना है, इसलिए ये देख के हम लोग अभी वापस जा रहे हैं ऊपर। चढ़ने के टाइम पे थक गए हम लोग, हालत ख़राब हो गया। थोड़ा सा ही बाकी है अभी।